जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय के परिसर में सैनिक विश्राम गृह के लोकार्पण समारोह में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके शामिल हुई। प्रदेश के वीर सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए सैनिक विश्राम गृह के निर्माण के लिए SECL के CSR मद से 1,06,00,000 की लागत से 6 कमरे और हॉल का निर्माण किया गया। नवनिर्मित विश्राम गृह में सैनिक परिवारों के अलावा बस्तर आने वाले समस्त प्रतिधारियों और उनके परिजनों को लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीर रानी परिवार सैनिकों के विधवा परिवार के महिला सदस्य को सम्मानित कर शॉल श्रीफल और सम्मान राशि का वितरण किया। द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद जवान की पत्नी को और पेंशन प्राप्त जवानों की पत्नियों को सहायता राशि का चेक प्रदान किया। राज्यपाल ने जिला प्रशासन को वीर योद्धाओं और उनके परिवारों की किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही महीने के 2 दिवस सैनिकों के कल्याण और समस्या सुनने और निराकरण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बस्तर क्षेत्र के युवाओं को सुरक्षा बलों और सेना में भर्ती के लिए अधिक प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ऑफिस का आना और दूसरे दूर से आना उनके लिए भी रहेगा। बेचारे लोग कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, और बाहर से भी जो हमारे सैनिकों के जो अधिकारी लोग होंगे या जैसे भी आते हैं, तो इन सबके लिए भी बहुत बड़ी एक सुविधा उनके लिए हो जाएगी, ताकि इन लोगों को जो है एक सम्मानजनक इन सबकी मदद के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड के भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के भी जो है कर्मचारी अधिकारी रहेंगे, और उसी उद्देश्य को लेकर ये इसका विश्राम गृह बनाया गया है।